पिछोर के ग्राम शाजापुर में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को किया पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी पति पिछोर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पत्नी की हीटर से करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस बात को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मर्ग कायम करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है। पुलिस ने छानबीन करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार किया है, जिस पर धारा 302 के सहित अन्य धाराओं के तहत पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर चेतन शर्मा द्वारा की गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया है कि मृतिका के पति ने ही उसकी हत्या की थी। पहले भी कई बार मृतिका का पति उसे मारने की कोशिश कर चुका है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, एक मामला सामने आया है जहाँ पति ने ही पत्नी की हत्या की है, क्या है पूरा मामला? ये 4 तारीख को ग्राम साजापुर का सुनील जाटव थाने पर उपस्थित हुआ। उसने बताया कि मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी और हीटर से करंट लगकर उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर से पुलिस ने मर कायम कर लिया था। चूंकि यह नवविवाहिता थी, 3 साल की थी, मृतक के परिजनों को शक भी था कि इनका आपसी विवाद पहले चल रहा था, पति पत्नी का बच्चा को ना लेकर होने को लेकर। चूंकि नवविवाहिता होने से इसकी जाँच SDOP साहब पिछोर कर रहे थे। जाँच में पता चला है कि इसने खुद ही गला घोंट कर अपनी पत्नी की हत्या की और उसको हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए इसने उसे हीटर से करंट लगाकर मार दिया। इसके तारतम्य में से कल दिनांक को थाना पिछोर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया सुनील जाटव को। क्या कुछ मुकदमा कायम हुआ इसमें? ये हत्या का मुकदमा और हत्या का मिथ्या साक्ष्य करने के लिए 201 का और मानसिक प्रताड़ना करता था। चूँकि शादी का 7 साल नहीं हुए थे पूरे, 3 साल के अंदर ये उनको मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, इस 498 का मुकदमा कायम किया गया। 302 जी।